नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके UK SSSC और UK PSC के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बैबेज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर जो बना उसका नाम एनिक था। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम दोस्तों 1946 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति दोस्तों 1960 से आई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संगणक। ठीक है, तो संगणक दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU का पूर्ण रूप होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाल्व अल्फा। ठीक है, वाल्फम अल्फा जो है ये दोस्तों आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जो गूगल, याहू और बाइडू ये जो है तीनों ये आपके सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन इनपुट इकाई है। तो इनपुट इकाई कौन सी है ये हमें बताना है। तो दोस्तों, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, ये सभी जो हैं ये आपकी इनपुट इकाई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे दोस्तों स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। तो हमें बताना है कि 1 KB में कितनी बाइट होती हैं। तो दोस्तों, 1024 बाइट होती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है। तो दोस्तों, 1 MB मतलब 1 MB में कितनी KB होती हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि KB होती हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1024। ठीक है, तो 1024 KB होती हैं दोस्तों 1 MB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, 1 GB में कितनी बाइट, ठीक है, या MB होती हैं ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बतानी है कि कितनी MB होती हैं 1 GB के अंदर। तो दोस्तों, 1024 MB होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनाते हैं। तो IC चिप जो बनी होती है तो वह दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो हम कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों ब्लैक कलर की, ठीक है, एक चिप बनी होती है, तो वह आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तारित रूप है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है कि किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो बच्चों के द्वारा उपयोग की जाती है लैंग्वेज, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों लोगो लैंग्वेज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं। तो एक ऐसा कंप्यूटर दोस्तों जिसे आप अपने गोद में रखकर भी उसे चला सकते हैं, तो उसे दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। सातवां प्रश्न है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो ये दोस्तों आपका कोडांतरण से मशीन तक एक रूपांतरण करता है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ये दोस्तों एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा की जा होती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी दोस्तों हमें बतानी है कि कौन सी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीडी रोम। सीडी रोम जो होती है तो यह दोस्तों आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो सीपीयू में तीन यूनिट होती हैं, कंट्रोल मेमोरी, ठीक है, और तीसरा जो होगा तो वह दोस्तों आपका होता है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक या लॉजिक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट होती हैं सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के एएलयू में होता है, तो दोस्तों सीपीयू के एएलयू में होता है आपका रजिस्टर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना करना या तुलना करना, ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर का जो भाग का प्रयोग किया जाता है तो वह दोस्तों एएलयू होता है। और एएलयू किस में होता है, तो ये दोस्तों आपका सीपीयू में होता है। अगला प्रश्न है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों इनपुट डिवाइस कहते हैं, सॉरी प्रोसेसर कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो प्रोसेसर कहते हैं दोस्तों एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर, ठीक है, तो इसके तीन मुख्य भाग हमने पीछे जो पढ़े तो वही यहाँ पर बताना है। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू होता है, तो इसका कंप्यूटर में क्या कार्य होता है ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो सीपीयू का कार्य होता है गणना करना और प्रोसेसिंग करना। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य हमें बताना है कि कौन सा नहीं होता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका कार्य नहीं होता है। जबकि डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, ये कार्य दोस्तों कंप्यूटर का होता है। अगला प्रश्न है परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन दोस्तों संपन्न जो होता है तो वह आपका होता है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है तो वह आपकी सीपीयू में होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है तो वह आपका अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, जबकि प्रोसेसिंग का, इनपुटिंग का और आउटपुटिंग का, ये तीनों कार्य करता है। दोस्तों आपको फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है इस क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आपको 19 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, 90 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में दोस्तों पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो होती है दोस्तों, ठीक है, तो वह किसके कोऑर्डिनेशन से कार्य करती है ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सीपीयू के, ठीक है, तो सीपीयू के कोऑर्डिनेशन या समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है तो दोस्तों उसे कहा जाता है ऑप्शन
बी माइक्रोचिप, ठीक है, तो माइक्रोचिप बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा मॉड्यूज किया गया परिणाम है, तो सॉरी प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है परिणाम, तो वह हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आउटपुट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है तो वह आपका सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 34वां प्रश्न है कि प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डाटा को दोस्तों प्रोसेस कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस प्रक्रिया से वह है, ठीक है, आता है, तभी इसे प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का मुख्य घटक होता है दोस्तों ये सभी, मतलब कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों इसके मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है तो वह दोस्तों लिमिटेड होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क की क्षमता क्या है, तो दोस्तों इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसे दोस्तों कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ठीक है, माइंड की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो ये दोस्तों उच्च होती है, क्योंकि मनुष्य जो है दोस्तों तो वह कंप्यूटर से ज़्यादा सोच सकता है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो इसमें भी दोस्तों मानव की गति अधिक है, क्योंकि मानव जो है दोस्तों तो वह ज़्यादा सोच सकता है, ठीक है, आप माइक्रोसेकंड में ही कहीं पर भी सोच सकते हैं, मतलब मैं सोचूं कि अभी मैं जो हूं दोस्तों अमेरिका हूं, तो इतनी जल्दी दोस्तों मैंने अमेरिका के बारे में सोच लिया। अगर कंप्यूटर में देखें तो दोस्तों इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें कुछ समय लग जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों बताना है कि ईडीपी क्या है, तो ईडीपी की फुल फॉर्म हमें बतानी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रकार के दोस्तों फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो सूचना जो बोला जाता है तो वह दोस्तों डेटा को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो डेटा जो बोलते हैं तो वह दोस्तों आपका चिन्ह वह संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है तो वह दोस्तों सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है तो उसे दोस्तों इनपुट कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है तो वह दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है, ये होता है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है एटीएम क्या होता है, तो एटीएम दोस्तों बिना स्टाफ के नकदी देना होता है, मतलब दोस्तों एटीएम, आप कहीं पर एटीएम लगा होता है तो यहाँ पर दोस्तों उस बैंक का कोई भी स्टाफ नहीं होता, आप एटीएम लगाइए और वहां से दोस्तों आपको, ठीक है, नकदी मिल जाती है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप कमेंट करके अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो ये किया जाता है दोस्तों डेटा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र है, तो पहला गणना यंत्र कौन सा था ये हमें बताना है, तो राइट आंसर रहेगा अबेकस, ठीक है, अबेकस जो था तो यह दोस्तों पहला गणना यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो यह दोस्तों खेल के लिए बना था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण करने वाला दोस्तों ये था आपका ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताना है कि किसने पंच कार्ड का प्रारंभ किया। तो पंच कार्ड का जो प्रारंभ किया तो वह दोस्तों किया था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जो विकास किया तो वह किया दोस्तों ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने, जिसे दोस्तों कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो यह दोस्तों सुपर कंप्यूटर, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर होता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कैरी क्या है। तो दोस्तों कैरी जो है तो यह है आपका ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों तीसरी पीढ़ी से, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस समय दोस्तों जो कंप्यूटर है तो वह आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना तो वह दोस्तों बना था ऑप्शन सी 1976 में, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दोस्तों भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है, सॉरी सिर्फ कंप्यूटर है। ठीक है, अगर आपसे सुपर कंप्यूटर की बात की जाएगी तो दोस्तों परम कंप्यूटर ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है तो वह दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है तो यह दोस्तों चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो यह दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और सिद्धार्थ जो था तो वह दोस्तों नॉर्मल कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो एबाकस का जो आविष्कार हुआ तो वह चीन देश में हुआ था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि iMac एक प्रकार है। तो iMac दोस्तों एक जो प्रकार है तो यह दोस्तों मशीन का प्रकार है। ठीक है, तो ये एक दोस्तों कंप्यूटर मशीन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो पंच कार्ड का जो प्रयोग किया सबसे पहले तो वह दोस्तों जोसेफ मेरी ने किया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है तो वह दोस्तों वॉन न्यूमान का है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का जो पिता बोला जाता है तो वह चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन डी जेएस केल्वी ने। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चिप जो होती है आईसी चिप जिसे बोलते हैं तो ये दोस्तों जेएस केल्वी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर जो दोस्तों परत होती है तो वह आयरन ऑक्साइड की परत होती है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर यह दोस्तों गणना सिद्धांत पर कार्य करता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है, और पूरी क्लास जरूर देखें जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। सभी प्रश्न दोस्तों ये उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो ये दोस्तों सीडेक संस्था ने किया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो परम कंप्यूटर ये है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास दोस्तों सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तेज कौन सा है, तो इन चार में से दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा सबसे तेज है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ पर होता है, तो ये आपका सीपीयू के अंदर ही होता है। अगला प्रश्न है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों ऑप्शन बी प्रेस्पर एक्वर्ट और दोस्तों जॉन मोसले ने, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है बताना है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स जो होती है तो यह दोस्तों एक प्रिंटर होता है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जो दोस्तों कीबोर्ड होता है तो इस कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं ये हमें बताना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर दोस्तों 12 फंक्शन की होती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो ये होता है दोस्तों लाइन प्रिंटर में, ठीक है, जो लाइन प्रिंटर होता है इसमें एक स्ट्रोक से एक अक्षर ही प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है बताना है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस हमें बताना है, तो दोस्तों मॉनिटर ये दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये तीनों दोस्तों आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है तो वह दोस्तों लेजर प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है कि LCD का पूरा नाम क्या है, तो LCD का पूरा नाम दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 81वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित जो करता है तो वह आपका मॉनिटर ही प्रदर्शित करता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो गेम खेलना ये दोस्तों लॉजिस्टिक्स से आसान हो जाता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, तो ये तीनों जो हैं दोस्तों इन्हें किन कुंजियों के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मॉडिफायर कुंजी के नाम से, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो एक कोई प्रोडक्ट होता है तो उस पर दोस्तों एक बॉक्स बना होता है एक साइड में और उस पर दोस्तों इस प्रकार से क्लोज, ठीक है, लाइनें खींची होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं ये हमें बताना है, तो इन्हें दोस्तों बार कोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशंस, ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, तो दोस्तों टच स्क्रीन जो होता है तो यह आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये तीनों दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो होती है तो वह दोस्तों ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क होती है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है दोस्तों उसे जो मापा जाता है तो वह डायगनली मापा जाता है, जैसे हमारी ये स्क्रीन है तो इस कोने से इस कोने को मापा जाएगा और इस कोने को इस कोने से, ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी डायगनली।
अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए जो यूज किया जाता है तो वह दोस्तों आपका होता है कीबोर्ड, सॉरी स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर जो होता है तो यह दोस्तों आपका प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो कंप्यूटर माउस बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो यह दोस्तों डगलस एंजलबर्ड, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। आई होप क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपने पूरी क्लास देखी है दोस्तों तो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप सेंट्रल लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वह SSC की हो, रेलवे की हो, ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों यह क्लास आपको मदद करने वाली है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी। IUP क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।